सो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज के सेशन में एक छोटा सा केस है, सिर्फ फिजिकल से भरा हुआ है और ये भी एक तरीके से लाइव केस है। किसी ने मुझे ये मैसेज के द्वारा पूछा है और इसका हम सब लोगों को एक साथ मिलके इसकी मेडिसिन निकालनी है और इसके हम जो फॉलोअप्स है वो भी देखेंगे, है ना। तो आज के इस केस से दो तीन चीजें मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि एक तो इसमें कोई मेंटल नहीं है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इस केस में आपको बहुत ज्यादा फिजिकल जो मिले हैं उसमें पर्टिकुलर्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि इस तरह के केस सीखने से, इस तरह के केस सॉल्व करने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे कहीं भी चलते फिरते लोग पूछ लेते हैं ना कि इसके लिए क्या मेडिसिन ले लें, तो आपके दिमाग में रेमेडीज आएंगी। यूजुअली हम लोग केस लेने के आदी होते हैं, पूरा केस ले लें तब उसके बाद बताएं, है ना, तो जल्दी मेडिसिन नहीं आ पाती, तो अब मेडिसिन आएंगी आपके पास, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या केस था? केस ऑफ लेडी 34 इयर्स। तो उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मैं हिल से नीचे जंप कर रही थी, तब से राइट नी में प्रॉब्लम शुरू हुई, पेन होने लगा। क्या हुआ? नीचे जंप किया, वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है, नीचे जंप किया और राइट नी में पेन होने लगा। बहुत पहले बहुत ज्यादा वॉक करने पे पेन बढ़ जाता था, नॉर्मल सी बात है, इंजरी हुई है उसमें मोशन होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। 1 मंथ से डेली होने लगा है, आगे झुकने के टाइम, आगे की तरफ झुकने के टाइम ऐसा लगता है जैसे नी जॉइंट लोड नहीं ले पा रहा प्रॉपर, मसल स्पाज़म एंड स्प्रेन भी बहुत जल्दी होता है मुझे, ठीक है। देखो, फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, कई सारे एक एक लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन है। अचानक से हाथ में पेन होने लगता है जो दबाने से भी आराम नहीं मिलता, फिर अपने से ठीक भी हो जाता है। 15 डे से क्रैकिंग साउंड इन लेफ्ट टेम्पल मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के अंदर क्रैकलिंग साउंड आता है। एक पोजीशन में बैठने से लोअर लिम में पेन होने लगता है और पोजीशन चेंज करने पर तो आराम मिलता है। हॉट थर्स्टी, पर्सपिरेशन नॉर्मल, नी पेन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, स्टेयर्स एग्रवेशन, बस यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये केस था। चलिए अब देखते हैं, आप लोगों ने काफी कुछ निकाला है इसमें। तो सबसे पहले जो केस लिया हमने, डॉक्टर व्योमेश, इंजरीज ब्लोज पेन्स डिस्टॉर्शन, ठीक है, पेन सिटिंग एग्रवेशन, इंजरीज ब्रूस, ये तो आप ले ही लिए ऊपर, एलमेंट फॉर्म ले सकते हो, बट आई थिंक इंजरीज के बहुत सारे रूब्रिक आपने ले लिए, और भी कुछ इंफॉर्मेशन थी, बट ठीक है, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं उसी में से चीजें निकालनी है, तो आपके पास रूटा, ब्राइनिया, डीडम, गैरिकस, कोलोसिन, ठीक है, रेमेडीज आर फाइन। और आपका जो डीडी है वो रूटा और लीडम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जीविका का है, इन्होंने लिया पेन राइट नी, क्रैम्प्स, क्रैकलिंग आर्टिकुलेशन ऑफ लॉक, वेरी गुड, ये आपने लिया जॉ का क्रैकिंग साउंड, ठीक है। टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ, पेन इन अपर लिम, पेन नी एक्सर्शन आफ्टर,
पेन लोअर लिम सिटिंग वाइल, ठीक है ये रूब्रिक ठीक है, नीचे वाला बाकी जनरलाइज्ड है, ठीक है आपने लिया, अच्छा लिया है। एंड आर टी रेस्ट ऑफ आपकी आरटी सीजन। आ रही है, ओके ठीक है आरटी, गुड चॉइस। रेणु सिंह ठीक है, हिस्टीरिया, बट यहाँ हिस्टीरिया क्यों लेंगे बेटा? रेणु हैं क्या आप? चलिए आप नहीं है तो बाद में देखिएगा, दिस इज नॉट हिस्टीरिया, इसको हिस्टीरिया नहीं लेंगे, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, अगर आप कूदे हैं इंजरी हो गई है तो ये सब चीजें होनी है, इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। क्रैम्प, बेंडिंग फॉरवर्ड, एग्रावेशन, क्रैकिंग साउंड फ्रॉम टीएमजे, लोअर एक्सट्रीमिटी, रूटा एंड लीडम, ठीक है गुड चॉइस। संदीप सिंह जी, संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि लेमनेस ऑफ नी, लेमनेस ऑफ नी इज राइट, पेन इन नी राइट, असेंडिंग, बेंडिंग टर्न, चेंज ऑफ पोजिशन, एम्बुलेशन, अगेन आप एम्बुलेशन आ गए। जब हमारे पास एग्रवेशन का रूब्रिक है तो हम पहले एग्रवेशन उठाएंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो एम्बुलेशन यहां से मत लीजिए, ये हमारे केस को साइकोसिस की तरफ ले जाएगा, ये नहीं लेना है आपको। वॉकिंग एग्रवेशन की जगह पे और भी रूब्रिक थे, चलिए लिया है आपने कोई बात नहीं, आई थिंक ये नीचे के दो रूब्रिक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी सब सही है, ओके चॉइसेस आर गुड एंड योर चॉइस इज प्राइनिया। चलिए देन साहू जी, आर के साहू जी, इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग राइट, ब्राइनिया, चलिए ठीक। नाउ सारंग, राइट एक्सट्रीमिटी, सेंसेशन डिसलोकेटेड इजीली, ठीक है, मैंडिबुलर जॉइंट, मैक्सिलरी जॉइंट क्रैकलिंग, ठीक है, एंड आई थिंक योर रेमेडीज फर्स्ट ऑक्स, ठीक है। नाउ नामिका जी, नामिका जी सेज बेंडिंग एग्रेवेशन, न्यू पेन, डिसेंडिंग स्टेयर्स, ट्रेन्स, अगेन एम्बुलेशन नहीं लेना है यहाँ पर, साइकोसिस ले आएगा, है ना, रस्टॉक्स एंड रोटा, योर चॉइस ऑफ रेमेडीज रस्टॉक्स, ओके ठीक है। चलिए शेव्या, शेव्या सेज राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, नी जॉइंट, क्रैम्प्स इन लेग, असेंडिंग स्टेप एग्रवेशन, नेक्स्ट डिसेंडिंग, असेंडिंग स्टेप, मैक्सिलरी क्रैकलिंग एंड बिगनिंग वाइल एग्रवेशन, ठीक है आई थिंक योर चॉइस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑक्स, हाँ फर्स्ट ऑक्स, ठीक है। नाउ दीप्ति, नी वॉकिंग आफ्टर, हैंड, पेन, लो मोशन, एम्बुलेशन नहीं लेना है, एम्बुलेशन मत लीजिए ना, आपके पास एग्रावेशन वाले पॉइंट हैं तो एम्बुलेशन मत लीजिए, बार बार कह रहा हूँ साइकोसिस बढ़ जाएगा। डिसेंडिंग स्टेयर्स, असेंडिंग, चल ठीक है आपने सब ले लिया, योर रेमेडी इज ऑल्सो रस्टॉक्स, ठीक है कईयों की रस्टॉक्स आ रही है इसका मतलब, ठीक है रस्टॉक्स, क्रैकलिंग लेफ्ट, हाँ क्रैकलिंग लेफ्ट है, बट ये आप यहाँ पे जो ले रहे हो ना वो टीएमबी जॉइंट के अंदर है, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, तो आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया दीपिका। चलिए डिसेंडिंग ये ठीक है, ये ठीक है, स्प्रिंग्स ठीक है, रस्टॉक्स एंड रूटा एंड योर चॉइस रस्टॉक्स, ठीक है। एंड डॉक्टर जया, राइट रूब्रिक, ट्रैकिंग आर्टिकुलेशन इन जॉइंट, ठीक है,
बेंडिंग लोअर लिम एग्जर्वेशन, ठीक है, असेंडिंग स्टेयर एग्जर्वेशन, ठीक है, हैंड्स राइट नी और नी आफ्टर, ये अपने अच्छा लिया है। पेन आफ्टर अ फॉल, अच्छा रूब्रिक है। बेस्ट एक्सप्रेशन प्रिंस, गेन फिलगिरी एंड रूटा, एंड आई थिंक योर चॉइस इज फर्स्ट ऑफ ऑल्सो, ठीक है। रेनू जी, बॉस को हाथ में सडन पेन होता है, फिर दबाने से आराम नहीं मिलता, फिर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए स्टीरिया लिया। नहीं, ये दिस नॉट स्टीरिया, एक्चुअल में क्या है, ऐसा कई बार होता है। इसका बेसिकली आप कह सकते हो कि ये न्यूरल एक्टिविटी है, ये न्यूरल ओरिजिन के पेन होते हैं जो इस तरीके से अपने आप रुकते हैं या चल जाते हैं। इस तरह के पेन सिर्फ दो ही एक्टिविटीज में आते हैं, या तो वो न्यूरल एक्टिविटी के पेन है, ठीक है, या फिर वो सर्कुलेशन एम्परनेंस की वजह से है। तो ऐसा ये दो टाइम में हो जाता है, तो आपको इसको ये नहीं लेना है। ऐसा बहुत वायलेंट और अजीब सा रिएक्शन तो नहीं हुआ ना, अपने आप हुआ, अपने आप चला गया, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं इसके पीछे क्या हो रहा होगा। चलिए देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज की समझते हैं पहले केस की, उसके बाद हम मैं अपनी एनालिसिस भी बताऊंगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि पहली चीज के जब भी आपके पास लॉट ऑफ फिजिकल रूब्रिक्स हैं, When we have lot of physical rubrics, तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है फिजिकल जर्नल्स पे, फिजिकल जर्नल्स पे, ठीक है। आपको बहुत पर्टिकुलर्स में ज्यादा नहीं घुसना, कुछ पर्टिकुलर्स आप ले सकते हो जो बहुत कंफर्म है, लेकिन ज्यादातर आपको याद रखना है फिजिकल जर्नल के अंदर आपको रहना है, ठीक है, फिजिकल जर्नल। जब तक पर्टिकुलर बहुत ही PQRS मोड में ना हो, बहुत PQRS मोड में ना हो, तब तक आपको पर्टिकुलर्स में बहुत ज्यादा नहीं। अब इसके अंदर बहुत सारे पर्टिकुलर थे, तो पर्टिकुलर में बहुत घुसोगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, कुछ करेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स आप ले सकते हो, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा एम्फोसाइज करना है ऑन फिजिकल जनरल, ये एक बात। दूसरी बात, ऐसे केसेस में साइट ऑफ एक्शन नहीं छोड़ना है, साइट ऑफ एक्शन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तीसरी बात, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, पहला मैंने बोला फिजिकल जर्नल, तीसरी बात आपकी आती है साइट ऑफ एक्शन के बाद कि आपको इस रेमेडी के अंदर फिजिकल जर्नल साइट ऑफ एक्शन, इस रेमेडी में प्रोसेस क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फोर्थ, कौन सी ऐसी चीज है जिसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन इस पे ध्यान देना है, रिपीटिशन, कौन सी ऐसी चीज है जिसका रिपीटिशन बार बार हो रहा है, और किस और उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या वो साइट अफेक्शन में आ रही है, क्या वो फिजिकल जर्नल, ये सारी चीजों को लेकर के आपको ऐसे केसेस के अंदर मेडिसिन को फाइंड आउट करना, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस बता दिया, अब मैं 2 मिनट लेता हूं और मैं कुछ अपलोड करता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये जो कुछ रूब्रिक हैं जो मैंने लिए थे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैकिंग ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ जॉ, क्योंकि ये जो हमारा एक्शन चल रहा था उससे थोड़ा सा अलग था, ठीक है। हम ज्यादातर एम्फोसाइज कर रहे थे ऑन लेग, लोअर लिम, नी, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग था। इसके बाद मैंने लेमनेस ऑफ नी लिया जो कि दिख रहा था, सिटिंग एग्रवेशन ऑफ लोअर लिम लिया, इसको ज्यादातर पोजिशन में मोशन में एग्रवेशन हो रहा है, ये एकमात्र ऐसा सिम्टम था जिसमें सिटिंग एग्रवेशन हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इस सिम्टम को बहुत तवज्जो दी।
और एक जर्नल मैंने लिया कि इंजरी स्प्रेन्स इसको हो जाते हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात को और मेरे सिलेक्शंस को समझ रहे हो, मैंने कैसे लिया। एक मैंने सर, थोड़ा सा अलग था। हाँ जी, सिटिंग एग्रीवेशन नहीं आ रहा है, सिटिंग एग्रीवेशन समझ नहीं आ रहा है सर, सिटिंग एग्रीवेशन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा सर, आपने क्यों क्यों लिया है, मतलब उसमें तो मेंशन नहीं है। अरे क्यों उसमें मेंशन तो नहीं है, ये देखो, एक पोजीशन में बैठने से लोअर लिम में पेन होने लगता है, लास्ट पैराग्राफ, और पोजीशन चेंज कर लो तो आराम मिल जाता है। एक पोजीशन में बैठने से पेन होने लगता है, तो बैठने से उसको आराम, मतलब हर जगह उसको मतलब मोशन से दिक्कत हो रही थी, यहाँ एकमात्र ऐसी जगह है कि एक जगह स्टेसिस में आराम हो रहा, मतलब दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा अलग हुआ ना। ठीक है सर। हेलो, हाँ यस सर आ रहा है समझ में। हाँ तो आप कह रहे हो मेंशन नहीं किया, मैं भी घबरा गया भाई कि मैंने लिया है उसको 3 बार पढ़ा है। सर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग एग्रीवेशन नहीं लिया, हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ भाई, मेरी बात को तो समझो, असेंडिंग मैं यही तो एग्रीवेशन और डिसेंडिंग एग्रीवेशन। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। मैंने अभी पूरी थ्योरी पढ़ाई, पहले इसको पढ़ाने से पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई कि जब भी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर्स आएंगे तो पर्टिकुलर्स नहीं उठाने हैं आपको, वो पर्टिकुलर उठाने हैं जो कुछ अलग हटके हैं, जिनका जिन पे बात हो रही है उससे थोड़ा अलग है, या जो जर्नल, ठीक है ना, तो वो आपको उठाने। अब लेमनेस मैंने क्यों उठाया ये भी तो पूछो, लेमनेस क्यों उठाया, बिकॉज लेमनेस इज सेंसेशन, ठीक है ना, तो सेंसेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजें उठाई हैं ये बहुत सिलेक्टेड उठाई हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैंने बहुत सिलेक्टेड उठाई है, इसमें मैंने एक डायरेक्ट रूब्रिक ले लिया, स्टेपिंग एग्रवेशन। स्टेपिंग एग्रवेशन, स्टेपिंग एग्रवेशन माने जब भी आप स्टेप्स चढ़ते हो उतरते हो, ये होल सोल आ गया इसमें स्टेपिंग, ठीक है। दूसरा अगेन लेमिंग, मैक्सिलरी जॉइंट की क्रैकलिंग, एग्रवेशन सिटिंग अगेन, और इसमें स्प्रेन्स, बस यही लिया है, हर बार मैंने यही लिए हैं और कुछ नहीं लिया। इसमें एक्स्ट्रा एक स्टेपिंग एग्रवेशन सिर्फ चेक करने के लिए लिया था और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली रेमेडीज वही है, लेकिन अब हमें समझना है, अब आप लोगों की जो रेमेडी आ रही थी, ज्यादातर लोगों की रस्टॉक्स आ रही है, ठीक है, ज्यादातर लोगों की रस्टॉक्स है, मैं गिनती कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्राइनिया दो लोगों की है, 6 7 7 ऑलमोस्ट 7 आंसर्स हैव रस्टॉक्स एंड 2 आंसर्स हैव रूटा एंड लिडम, जिसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, एंड 2 आंसर्स हैव ब्राइनिया। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये 3 चाहिए, है ना, मैंने और भी जीडी बना दी है, रस्टॉक्स ब्राइनिया रूटा और क्या रह गया, लिडम, लिडम रह गया है, देखो मैं लिडम और डालता हूँ, 1 मिनट, चलो मैंने लीडम भी डाल दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइनिया, ब्राइनिया क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ब्राइनिया के अंदर क्या क्या एक्शन है, हाँ पहले सबसे पहले हम निर्धारित कर लें कि एक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है ना, पहले हम लोग निर्धारित कर लेते हैं एक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। आप लोग बताएंगे, बताइए एक एक करके, साइट ऑफ एक्शन क्या है, बॉस इसका फाइब्रस टिश्यू पर साइट ऑफ एक्शन है, फाइब्रस टिश्यू, वेरी गुड, और नर्व्स मसल्स पे है, ठीक है, नर्व्स पे है, और बोलिए, बस मसल्स नर्व और लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, और कुछ बचता है, बस दोनों साइड ऑफ बॉडी आ रही है इसमें, राइट साइड में नहीं आ रही, हाँ लेफ्ट साइड में वो तो दोनों आ रही है, तो बहुत इसीलिए मैंने साइड लिया भी नहीं ना,
इसलिए मैंने साइड नहीं लिया, साइड को छोड़ दो। चलो और बताओ, साइट ऑफ एक्शन बस इतना ही है, नर्व्स मसल्स लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू। क्या मैं टेंडन ले सकता हूँ? हाँ बॉस ले ले सकते सकता हैं हूँ, जी, बस जी चलो बस। टेंडन भी ले लिया, और तो कुछ बचा नहीं है। अब मुझे ये बता दो, इस सारे के अंदर सबसे ज्यादा बात किसकी हो रही है? बार 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 देखो, एक जगह नर्व की बात हुई है, बार बार नहीं हो रही, एक या दो जगह नर्व की बात हुई है, लेकिन बार बार कहाँ की बात हो रही है? लिगामेंट पेन हो रहा है, मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है। तो मूवमेंट चलाने वाले यही सब है ना, टेंडन लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू एंड मसल्स, यही सब है ना? तो ये चीजें होनी चाहिए ना अपने पास, है ना? अब यहां से हम लेके चलते हैं, अब इतना समझ गए आप, अब यहां से हम लेके चलते हैं तो आप समझ पाओगे। जया सिंह कह रही हैं जॉइंट्स एंड मसल, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो ब्रायनिया, अब आप देख सकते हो इसमें क्या है। ब्रायनिया कहता है ब्लड है, सर्कुलेशन है, लीवर है, सीरस मेम्ब्रेन है, जॉइंट्स है, जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, मोटर एपरेटस नर्व्स है, मसल्स है, बाकी लिम्फेटिक सेलुलर टिश्यू राइट साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा नर्व मसल एंड जॉइंट की बात है। तो क्या हमारे एक्शन को फुलफिल कर पाएगी ब्रेनिया? फुलफिल तो नहीं नहीं कर नहीं रही। नहीं कर पाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ब्रायनिया के फाइबर्स लूज होते हैं कि स्ट्रांग होते हैं? अब स्ट्रांग होते हैं यहां आपको फाइबर्स कैसे दिख रहे हैं भाई? जिस व्यक्ति के अंदर जल्दी जल्दी स्प्रेन आ जाए, जल्दी जल्दी आपको मोच आ रही है, तो क्या है, फाइबर्स कैसे हैं? लूज लूजली है। लूजली पैक्ड है ना, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? ब्रायनिया लूज लूज नहीं होता जल्दी, तो इसको हटा सकते हैं हम, आसानी से हटा सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्या आ रही थी, कुछ लोगों की सल्फर भी आई थी, आई थी किसी की? क्या नहीं आई? हाँ चलो, ब्रायनिया था, रूटा था, रस्टॉक्स था, यही था ना, और लिडम था, इसी में लड़ाई थी। अब आते हैं सबसे ज्यादा जो आपकी पसंदीदा रेमेडी थी, रस्टॉक्स, ठीक है? अब देख लेते हैं इसका एक्शन, एक्शन ऑन टिश्यू, फाइबरस टिश्यू, लीगामेंट्स, सेलुलर जॉइंट, सारी चीजें आ गई, एक शायद टेंडन रह गया, है ना, और एक क्या रह गया, मसल्स रह गई, ठीक रहे है? अब मुझे बताओ, रस्टॉक्स लूज फाइबर और स्ट्रॉन्ग फाइबर? लूज फाइबर होते बहुत जल्द। लूज फाइबर है ना, है ना, सब लोग मान हाँ रहे हैं बॉस ना? लूज हाँ ठीक जी। ठीक है ठीक है, लूज फाइबर, ठीक है। चलो हमारे पास बेस्ट रेमेडी इस समय निकल के आ रही है रेस्टोक्स, क्योंकि 7 लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था, और हमारे 1 2 3 4 4 चीजों पे एक्शन भी है, 2 चीजों को छोड़ दिया जाए, ठीक है? आप देख लेते हैं हम रिडम्पाल। चलो फाइब्रस टिश्यू, इसमें टेंडन भी आ गया, जॉइंट्स आ गया, नर्व्स आ गया। अच्छा अपने पास रस्टॉक्स में नर्व्स था क्या? नहीं बॉस नर्व भी नहीं, नहीं था उस। नर्व को तो छोड़ रहा था ना रस्टॉक्स। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें हमें नर्व मसल्स भी नहीं है, है? अच्छा ठीक है है ठीक है ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था, चलो ओके। तो मसल्स है, ये इसमें मसल्स छूट गया, और क्या छूट रहा है, लिगामेंट छूट रहा है ना, ये चीजें छूट रही हैं। तो सेकेंड बेस्ट रेमेडी हमारी लीडमपाल हो सकती है, हो सकती है। आप सकती बताओ, है। लीडमपाल डेंस फाइबर है कि लूज फाइबर है? लीडम में भी फाइबर से इतने लूज नहीं होते हैं कि उसको बार बार स्प्रेन तो है ना,
कितने लोग मान रहे हैं कि लूज फाइबर नहीं होते डीडम में? भाई रस्ट ऑफ्स में तो नहीं है, मतलब लूज होते हैं, ये तो बात आप लोगों ने सबने कहा, लीडम में जल्दी लूज नहीं होते ना। यार पेरियोस्टियम पे काम है, देखो ना पेरियोस्टियम पे तो लूज फाइबर होगा तो पेरियोस्टियम पे कैसे बोन बनाएगा, ये लूज फाइबर जल्दी नहीं करेगा। ठीक है चलो, स्टॉक्स में तो बहुत इसमें क्लियर कट नॉक क्वेश्चन है बेटा। चलो ठीक, अब तीसरी रेमेडी बची हमारी रूटा। अब इसमें देखिए फाइब्रस टिश्यू है, फ्लेक्सर टेंडन्स है, स्पेसिफिक फ्लेक्सर टेंडन्स उन्होंने बोले, ठीक है, अगेन जॉइंट्स है, अब कार्टिलेज है, पेरियोस्टियम है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर, इसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, और किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है अपना, नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और किसका नहीं है, लिगामेंट, लिगामेंट का, वेरी गुड, लिगामेंट का इन्वॉल्वमेंट, तो लिगामेंट हो गया, मसल्स हो गए, नर्व हो गए, यानी कि तीन चीजें इसमें बड़ी बड़ी छूट रही हैं। अब मैं तीन चीजों को सामने सामने रखूंगा, रूटा, डीडम और रस्टॉक्स, तो इनमें से हमारी चॉइस ऑफ रेमेडी आपको क्या लगती है, आप बताओ। आरटी लग रही है बस। रस्टॉक्स। रस्टॉक्स। और यही आपकी आई भी थी? हाँ। जी, यही आई थी ना, तो कुछ गलत थोड़ी किया आपने, सही किया, रस्टॉक्स ही है रेमेडी, है ना, कुछ गलत नहीं है, सब सही है। अब क्या हो रहा था इसके अंदर, आप देख रहे थे कि जब वो चलती है तो उसको एम्ब्लोरेशन भी हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे शुरू में चल रही थी, उसने कहा था शुरू में चल रही थी तो एग्रेशन हो रहा था, कहा था ना, तो शुरू में तो ताजा ताजा चोट लगी थी ना, इसलिए हो रहा था, उसके बाद फिर ये होने लगा, तो इसमें हमारी ऑलमोस्ट चीजें कवर हो गई, तो आप लोग मैक्सिमम लोग सही डायरेक्शन में सोच रहे थे, सिर्फ सोचने का तरीका इधर उधर से था। मैं अक्सर बोलता हूं ना कि भाई पहाड़ पे पहुंचना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, आप नीचे से क्लाइम करते हुए जा सकते हो, उस पर जो दर्रे बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, उनसे जा सकते हो, या रोड बना के बहुत अच्छे से जा सकते हो, है ना, तो आप पहुंचे कहां से वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप सही पहुंचे ये इम्पोर्टेंट है पहली चीज, लेकिन साथ ही साथ ये रास्ता कैसे हमने कवर किया, ये प्रोसेस कवर होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज और हम देख लें, मैं बताना चाह रहा था, एक मिनट, जैसे कि आप इधर देखो, इसमें टिश्यूज में सेलुलर टिश्यू भी है अपना रस्टॉक्स के अंदर, और फाइब्रस टिश्यू भी है, ठीक है ना, तो जब हमें इंजरी लगती है, इंजरी कहीं पर भी, एक एक रूब्रिक है, एक मिनट, मैं एक मिनट लूंगा, एक मिनट, अभी देखिए, अभी आप देख सकते हो, अभी जो आप है आप क्लियरली देख सकते हो कि एक मेडिसिन है इंजरीज प्रोन टू में, इंजरीज प्रोन टू, ठीक है, अगर ये किसी को रूब्रिक नहीं मिल रहा है तो आप इसको मेंटल में भी देख सकते हैं, मेंटल में आपको मिलेगा एक्सीडेंटल प्रोन टू, एक्सीडेंटल प्रोन टू मतलब जिस व्यक्ति के जल्दी जल्दी एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस व्यक्ति को जल्दी जल्दी इंजरीज होती है, अगर किसी व्यक्ति को जल्दी जल्दी इंजरीज हो रही है तो लूजनेस का किन टिश्यूज में होगी, जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स में, नर्व में, मसल्स में, इसलिए अर्निका यहां पे टॉप ग्रेड में, ठीक है। अब रूब्रिक आता है इंजरीज स्प्रेन टू, प्रोन टू स्प्रेन,
देखिए इसमें अर्निका पड़ी है, इसमें हमारी रेस्टॉक्स पड़ी है, रूटा पड़ी है, लेकिन लीडम नहीं है। लीडम जो है बहुत कम ग्रेड में है ना, लीडम नहीं है, तो मोर ग्रेड में ये है। क्यों है? अब जब स्प्रेन होता है ये, इसलिए देखो समझना है आपको, यहाँ स्प्रेन जब होता है तो उसमें ब्लड वेसल भी कई बार इन्वॉल्व होती है, मसल भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए अर्निका है। ठीक है, यहाँ इसका कोई लिगामेंट, कोई टेंडन से कोई वास्ता नहीं। ठीक, रूटा के अंदर लिगामेंट से कोई लेना देना नहीं है, रूटा में किससे वास्ता है? टेंडन से, नर्व से, सॉरी नर्व से भी नहीं है, ठीक है, टेंडन से। लेकिन रेस्टॉक्स में क्या है, आपके टेंडन से भी है, नर्व से भी है, लिगामेंट से है, मसल से है, ऑलमोस्ट सभी चीजों से रेस्टॉक्स का वास्ता है। एंड रेस्टॉक्स इससे पता चलता है कि दीज आर लूज टिश्यूज, लूज, ठीक है, लीडम कम लूज है, देखो देखो ब्रैनिया देखो कम लूज है, देख रहे हो ब्रैनिया इसमें कम लूज है, और देखो कैल्किरिया लूज है, इसीलिए कैल्किरिया ब्रिटल बोन में भी पड़ा है ना। तो यहां से ये चीजों को समझो, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, खाली केस देख के मेडिसिन नहीं निकालना है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है ना। तो लीडम टिश्यूज आर मोर स्ट्रॉन्ग, ब्रैनिया टिश्यूज आर मोर स्ट्रॉन्ग, हाइपेरिकम टिश्यूज आर मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं रूटा लूज, रेस्टॉक्स लूज, फॉस्फोरस तो हम जानते हैं लूज, अच्छा नेट्रामियूर को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, ये भी लूज है, प्लेटिना को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, ये भी लूज है, ये सबको स्प्रेन बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। अब स्प्रेन किसी को जल्दी हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लूजनेस है, इतना जान लो। ठीक, अब मुझे इसकी आप पोटेंसी बताइए, पोटेंसी क्या दी है, केस हमने देख लिया, इसके अंदर हमने निकाल दी इनकी रेमेडी, बस लंबे समय से इसको दर्द की परेशानी है तो लो पोटेंसी में हम दे सकते हैं, 30 पोटेंसी में। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा 3x6 3c पी जाए तो ज्यादा मशहूर रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 200 आई थिंक ठीक रहेगा बस। ठीक है, ठीक है, यूजुअली हम लोग जैसे कि सब लोगों ने बताया ही है कि ऑलमोस्ट लो पोटेंसी ही देनी चाहिए, तो लो पोटेंसी इज गुड चॉइस। अब डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं 3x 3c 6c, ये क्या है कि बहुत अनुभवी लोग इतने तक पहुंचते हैं, है ना, लेकिन जो जनरली हम लोग बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं वो मोस्टली यूज करते हैं। जब भी स्टेसिस आए, मैंने आपको बताया जब भी स्टेसिस आए तो उसमें आप हमेशा 200 से स्टार्ट करिए, बहुत जिसे कहते हैं ना कि सेफेस्ट पोटेंसी है। इसके बाद हम नीचे भी उतरेंगे जरूरत पड़ेगी, वरना 200 में हमारे काफी कुछ रिजल्ट आने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये याद रखिए, स्टेसिस खत्म करना पहले, स्टेसिस ये बीच की पोटेंसी है जहां पे पैथोलॉजिकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी नहीं है और मेंटल डिस्ट्रक्शन भी नहीं है, तो स्ट्रेसिस है, तो बीच की, इसलिए सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो 200 यूज होती है। तो यूज करना अपने ऊपर है, मैं हर बार बोलता हूँ पोटेंसी सिलेक्शन इज योर डिस्क्रिशन, ठीक है। हमेशा सर ने बोला है कि आप, जैसे मैं हमेशा आपको समझाता आया हूं इन चीजों में कि आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, जैसे सर का थर्ड एफरिज्म कभी नहीं भूलना है। सर थर्ड एफरिज्म में बोलते ही हैं कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस, है ना। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव, व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, तो हमने देखा व्हाट इज क्यूरेट, व्हाट इज टू बी क्योर्ड, उसकी लूजनेस, उसके जो लिगामेंट की लूजनेस है, उसके मसल्स की लूजनेस है, भाई आप देखो ना उसके जो TMJ ज्वाइंट क्रैक कर रहा है, क्रैकलिंग हो रही है, तो मैंने कहा ना लूजनेस है, इसीलिए एयर पास हो रही है, इसीलिए क्रैकलिंग साउंड आ रहा है। तो आप देखिए अगर लूजनेस है, फिर वो ये आ गया, हमें सही क्या करना है, उसकी लूजनेस सही करनी है, उसकी लूजनेस की वजह से उसको चोट लग रही है, उसी की वजह से वो जल्दी सही नहीं हो पा रही, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें सही करनी है। व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन,
हमारे पास क्या क्यूरेटिव है, तो हमने देखा हमारे पास ये लूजनेस क्यूरेटिव करने वाली मेडिसिन है। अब आता है नेक्स्ट, इन ईच मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, ठीक है। और जैसे ही सर बात करते हैं पावर की, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको कि हमारे सारे ग्रंथों में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सबसे सुपीरियर ग्रंथ है, और उस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सर ने वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपका कैसा होना चाहिए, कैसे आपको सिलेक्शन इलेक्शन करना है, सब दिया हुआ है। अब जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे ही समझिएगा, उसी प्लेन पे जैसे ही सर ने पावर मेडिसिनल पावर की बात की, ठीक है, तुरंत उन्होंने बोला इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट, जब वो जानता हो कैसे अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल, क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल पर। और क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल क्या है, सेवन कार्डिनल रूल, जिसमें एक हमारा रूल है क्या, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, तो हमें पोटेंटाइज ड्रग देनी है, ठीक है, तो ये हमें भूलना नहीं है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल भी चलना है और अडेप्ट भी करना है। अडेप्ट कब 30 देनी है, कब 200 देनी, कब 60 देना है, और कब 10 MCM में पहुंच गए, तो हमें ये अडेप्टेशन आना चाहिए। और ये पर्टिकुलर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं वॉट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन टू वॉट ही हैज डिस्कवर्ड, आपने जो ढूंढा, ठीक है, टू बी अनडाउटली मॉर्बिड इन द पेशेंट, जो आपने ढूंढा है कि उस व्यक्ति के अंदर विनाशक है, उस व्यक्ति के अंदर विनाशक है, सो दैट रिकवरी मस्ट इंश्योर टू अडॉप्ट इट एज वेल एज रेस्पेक्ट टू द सूटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन। क्लियर कट बोलते हैं सर मोड ऑफ एक्शन, और हम मोड ऑफ एक्शन को ही इग्नोर करके आए हैं। तो इस हिसाब से हमें सारी चीजों को ध्यान रखना है, और इसी हिसाब से फिर आगे बोलना है कि कैसे आपको प्रॉपर डोज करना है, प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज कब करनी है, इफ ही फाइनली नोज ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस, हर केस के अंदर क्या रिकवरी के बीच में हर्डल्स आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम, और कैसे उसको हम हटा सकते हैं। जब हम ये सारी चीज कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट सेकंड एफरिज्म हमारा आ जाएगा, दैट इज आइडियल ऑफ क्योर। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट, तो रैपिड जेंटल होगा ही होगा, इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे के अंदर होगा ही होगा ये, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप चलें, आपको धीरे 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 करके चीजें समझ में आती जाएंगी। और देखिए मैंने कहा ना सिम्टम बहुत सारे पड़े, कितने सारे सिम्टम्स हैं हमारे पास, लेकिन हमें लेने वही दो चार है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो आज के इस क्लास के अंदर आपको आई थिंक इतना समझ में आया होगा कि मुझे क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज लेनी है और कैसे चलना है ना। छोटा सा मैंने कहा ना बहुत छोटा केस है, बहुत कुछ है नहीं करने को, और आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत उसको बहुत अच्छी तरीके से किया भी, और वो मतलब सही मेडिसिन निकाली भी है ना। तो कुछ अलग नहीं करना है, बस हमें बस करना बस ये है कि सही ढंग सीखना है, क्योंकि आज का तो हमारा निकल गया मान लो केस, लेकिन अगली बार भी निकले, उससे अगली बार भी निकले, हर बार निकले, तो हमें तरीका प्रॉपर आना चाहिए। तो आई होप कि कुछ आपको थोड़ा बहुत मैं दे सकूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अच्छा कुछ दिया आपने, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट ही मेरा मैसेज किया टेलीग्राम, प्लीज को रिप्लाई कीजिए आप। अच्छा अच्छा मैं देख नहीं पाया, सॉरी मैं देखता हूँ, है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो भैया तो मुझे पूछ सकते हैं सर। रेस्टॉक्स तो चली है ना सेंस में, पेशेंट हॉट फसती है। इट्स ओके, मैंने कहा ना कि आप इतना ज्यादा उसको बहुत तवज्जो मत दीजिए हॉट थर्स्टी था हॉट थर्स्टनेस को, जब तक कि केस बहुत साइकोटिक या हमें बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे उस तरीके से ना सोचना हो, है ना। अभी देखो हमारे पास मेंटर्स भी तो नहीं है, किन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन, डॉक्टर जया ने पूछा शायद ना सर, निहार। अच्छा निहार, ओके। देखिए तो जो आपने पूछा क्वेश्चन आप खुद सोचिए ना, हमारे पास मेंटर्स भी तो नहीं है बहुत, तो हम जो देख रहे हैं वो सामने से देख रहे हैं। अब हमें उसमें जरूरी नहीं कि हम उसके अंदर हॉट चीज ढूंढे ही ढूंढे, ठीक है ना।
तो बहुत ज्यादा उस पर वो तवज्जो दे रही, स्पेशली जब आपके पास ऐसे केस हैं जो बीच के होते हैं, जिसमें कहीं ना तो आप उधर कोई आपने देखा कि बहुत एक्यूट इमरजेंसी है, ना आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे चीजें मिल रही हैं पूरे होल जैसे हम लोग लेते हैं पूरे उसमें, तो आप ले सकते हो इट्स ओके। कीप द, देखो हमारे सर बोलते थे, डॉक्टर विजयकर बोलते थे, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, ठीक है, यानी कि जो मेन चीज है उसको पकड़े रहो बस, व्हाट इज टू बी क्योर एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, दैट्स इट, सब कुछ कवर हो जाएगा उसी में, ठीक है। और सर रिपीटेशन को लेके सर थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि जैसे मेडिसिन तो सर सिलेक्ट कर ली, पोटेंसी सिलेक्ट कर ली, डोंट वरी आ जाएगा, ये आप बिगनर हो ना, मैंने क्या बताया 10 साल तक हम लोग बिगनर है, है ना, तो हम बिगनिंग वाली स्टेज को पार कर गए इसलिए बहुत सारी चीजें समझ पा रहे हैं, आप अभी बिगनिंग में हो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो, मैं बताऊंगा भी तो आप मेरे फॉर्मेट को रट लोगे। देखो डोंट फॉलो एनीवन इन द फॉर्मेट ऑफ टू फॉलो कि कैसे हमको उसके अंदर मतलब कैसे रिपीट करना है फॉर द रिपीटेशन पर्पस एंड डोजिंग पर्पस, डू नॉट फॉलो एनीवन, मैं बार बार कहता हूं आपको कि आपको डोजिंग में मुझे भी फॉलो नहीं करना है और रिपीटेशन में भी मुझे फॉलो नहीं करना है, आपको अपना समझना है। मैं कहता हूं सर ने बोला ही है यार हाउ टू अडेप्ट, आप प्रिंसिपल समझो, मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, ठीक है, अब आप अडेप्टेशन करो कि आपको कैसे करना है। अब सर तो ये भी बोलते हैं कि सिंगल के बाद दूसरी नहीं देनी डोज, लेकिन ये भी बोलते हैं कि उसको एक एक घंटे पे रिपीट कर दो, मिनट मिनट पे रिपीट कर दो, भैया आपको देखना है कि केस कैसा है, कहाँ जरूरत है, उसकी वाइटेलिटी कितनी लो है, कितनी बार नीड है उसको उसकी दवा की, है ना। सारंग सारंग सुन रहे हो ना? यस सर। तो बेटा सर किसी... आपका जो दो एम के बेस पे जब से उसको फॉलो किया है रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस रिपीटेशन को लेके थोड़ा डर रहता है मन में। अरे बिल्कुल नहीं डरो, यहां वो ठीक होगी। हां बताइए बताइए डॉक्टर। रिपीटेशन के लिए सॉरी है ना कि जैसे कि यहां इंप्रूवमेंट रुक जाए, जैसे मान लीजिए अपन ने 30 का एक डोज दिया, ठीक है, अब इंप्रूवमेंट रुक गया तो उसको क्वार्टर में दो, 30 को ही रिपीट करो, आप नेक्स्ट पोटेंसी मत जाओ, क्योंकि आपको 30 में जो रिजल्ट मिलते वो 200 में नहीं मिलेंगे रिजल्ट आपके लिए, और डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा फिर वो। अब यही बात है ना, देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो मतलब वो कर रहा हूँ, मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ ना, अब डॉक्टर हैनीमैन इस तरीके से नहीं बोलते, डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं आप जब भी रिपीट करो थोड़ा सा प्लस वन करके दो। एक्सपीरियंस वाली बात है कि उनका क्लिनिक, यही मैं समझा रहा हूँ, यही मैं इसीलिए मैंने कहा डोंट फॉलो एनीवन, आप अपना तरीका खुद ढूंढिए, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने डॉक्टर जैन साहब ने बहुत अच्छा बताया कि यदि आपका आपको दिखता, ये तो हम पढ़ते सीखते भी आए ना, जहां आपको दिख गया कि भाई एक्शन बंद हो गया स्टार्ट कर दो दोबारा दे दो, बस आपको ऊपर की पोटेंसी में नहीं जाना, उन्होंने ये कहा, अब आपको क्या करना है वो आप देखो, उन्होंने बता दिया, है ना। तो मेरा कहना यही है कि आप डोंट फॉलो एनीवन, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ मुझे फॉलो मत करो, मैं इवन पोटेंसीज में भी बोल रहा हूँ, मैं मियाज़म बेसिस पे चल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं आप चलो, आपको अगर उससे बेहतर कुछ चीज दिखता है, आपको कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसी चीज से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट देखो कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, जो सर ने बोला कि भैया आपको क्यूरेटिव ढूंढना है, व्हाट इज टू बी क्योर ढूंढना है, ये सबका सेम होना चाहिए बस, पोटेंसी मे बी डिफर, रिपीटेशन मे बी डिफर, बट द मेडिसिन मे नॉट बी डिफर, आप लोगों की सबकी हमारी एक जैसी मेडिसिन होनी चाहिए, उसको निकालने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। मैं बचपन से मतलब बचपन मेरा का कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर ऑफ द बीएचएमएस, हम ये देखते आए हैं कि अगर 10 लोगों को कोई केस बताया तो 10 मेडिसिन निकलती है, वाह भाई इतना इतना नहीं होना चाहिए ना, ये हो सकता है जैसे आज था कि भाई 7 लोगों की एक निकली, 3 लोगों की अलग निकली, ये हो सकता है इट्स ओके, लेकिन 10ों के 10 की अलग निकलेगी ये कोई तरीका नहीं समझना, तो ये नहीं होना चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ आपकी पोटेंसीज में डिफरेंस हो सकता है, आपके रिपीटेशन के तरीके में डिफरेंस होता है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक
हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आप लोगों को सबको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, और देखो बेटा आप कर रहे हो बीबीसीआर मेथड को फॉलो कर रहे हो और इस प्रॉपर चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आप समझोगे मतलब केस हल होने ही होने हैं यार, बचेंगे है ही नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक होगी, हमसे भी मिस्टेक होगी भाई, मनुष्य इंसान हमेशा गलती का पुतला है, गलती करने की गुंजाइश भगवान ने छोड़ी। अगर गलती करने लायक नहीं छोड़ते तो हम हर आदमी कितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं खुद को भगवान बोलने लगते, हम भगवान तुल्य बोले जाते हैं, भगवान नहीं बोले जाते, भगवान तब बोले नहीं, जाते। सर, मुझे एक अच्छा लगा जी, आपका जो तरीका है वो काफी थोड़ा सरल है, इसको मतलब इतना कठिन नहीं है, ये इसको जी जी केस जी जी निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, मैं सर मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि इस तरीके से नॉट ओनली इट्स इजी, इट इज मोर साइंटिफिक ऑल्सो। आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपके अंदर ये पैथोलॉजी चल रही है, इवन द एलोपैथ इवन द सर्जन्स, आप कहीं पर भी जाके आपको समझा सकते हैं कि आपके अंदर ये चल रहा है, मैं ये करने वाला हूं और ये हो जाएगा, ऐसा चेंज होगा, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आप फॉलो करना शुरू करोगे आप खुद बोलोगे कि इतने दिन में हो जाएगा। जैसे अक्सर करके हमारे पास पेशेंट आते हैं और ये पूछते हैं सर कितने दिन में आराम हो जाएगा, हमारे पास इसका जवाब नहीं होता, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, यही बोलते हैं ना जी सर। तो भाई ये बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फिक्स कोई चीज पता नहीं है ना, लेकिन जब आप मेथड को फॉलो करोगे, रेगुलर काम करोगे, तो आपको चीजें दिखने लगेंगी कि इस व्यक्ति की ये चीज डिस्टर्ब है, साइट ऑफ एक्शन ये है, मेरे को इससे मिलती जुलती ये रेमेडी मिली है, तो इसकी स्पीड ऐसी है, तो ये इतने दिन में ठीक होना ही होना है। तो आप खुद बोलोगे 3 महीने में देखना, 3 महीने से 4 महीने के अंदर आपका काम खत्म, सब कुछ ओके हो जाएगा, आप खुद बोलोगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो देता है ना, वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, वो डॉक्टर बोगर बोनियसन, ये लोग देते हैं, ये इतने बेस्ट राइटिंग्स हैं जो बाहर नहीं निकली। और मैं मेरी कोशिश यही है कि जेम्स को ये जो हमारे मतलब इतनी 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 बेहतरीन राइटिंग्स को मैं सिंपलर वे में आप लोगों तक पहुंचा सकूं, बस मेरी इतनी कोशिश है। और इसी कोशिश में आज मैंने ये केस दिखाया आप लोगों को, कुछ अच्छा मिला होगा आज सीखने को। चलिए इसी आशा के साथ, निरंतर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर। हाँ यार, कोशिश हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल, उसमें से निकालना टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मैं स्टार्ट करी जब ये क्लास, तो मैं बस ऑन द वे था, ड्राइव ही कर रहा था, बस निकला हूँ अभी, पहुँचते ही मैं रस्ते में ही बोलना शुरू कर दिया था, पहुँचते पहुँचते आप लोगों को आगे पढ़ा दिया, तो ऐसा हो जाता कई बार कि बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता। अब फिर उसमें मैं अभी तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में सब लोग सीख जाओ, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या किया करेंगे कि हम लोग आप ही लोगों के केस लेंगे, है ना, और आप लोग पोस्ट करिए एक एक करके, हम लोग केस लेंगे और उसको हम एक दिन फिक्स कर लेंगे, उस दिन हम डिसाइड किया बस, ठीक है ना जी सर। चलो करेंगे कोशिश, जाइए ना। हाँ मैं देखता हूँ, थैंक यू सर। ओके ओके, गुड नाइट।